नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज आपकी दादी नानी फिर आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए रामायण में से आई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुमंत जी राम सीता लक्ष्मण को छोड़कर खाली रथ लेकर वापस आ गए। तब अयोध्यावासी रोते हैं, कौशल्या माँ विलाप करती है। तब दशरथ जी को अपनी पुरानी कथा याद आती है और वो कहते हैं कि ये मेरे कर्मों का फल है। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ श्रवण कुमार की, कि किस तरीके से उनके माता पिता का श्राप दशरथ जी को लगा। पुराने युग में शांतनु नाम का एक सिद्ध साधु था, उनकी पत्नी भी धर्म परायण थी। कहानी के समय वो बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनका एक बेटा पैदा होता है श्रवण कुमार। उनकी आंखें भी चली गई थी। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में प्रेम श्रद्धा थी, दिन रात माँ बाप की सेवा करता था, अपने माता पिता को बच्चों की तरह से लालन पालन करता था। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे कि उनको ऐसी संतान मिली है, इसलिए उसे खूब दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण कुमार जैसा मात्र भक्त बेटा मिला है, जो अपने बारे में नहीं सोचता, अपना पूरा जीवन अपने बूढ़े नेत्रहीन माँ बाप की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई और होता तो शादी करके अपने बारे में सोचता। जब ये बातें श्रवण कुमार ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा, माँ बाप आज मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, ये मेरा फर्ज है आपको अच्छा जीवन देना, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। तब शांतनु और उनकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत बड़ी हो गई है, पता नहीं कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। हमारी एक ही इच्छा है, वो है कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, क्या तुम हमारी ये इच्छा पूरी कर पाओगे? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर बहुत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ हेतु एक कावड़ तैयार करता है और उस कावड़ में एक तरफ पिताजी को बिठाता है, दूसरी तरफ अपनी माँ को बिठाता है और कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर रखकर उनकी यात्रा शुरू करता है। उसके मन में अपने माँ बाप के लिए इतना प्यार था कि उसको कावड़ इतना भार नहीं लग रहा था, बहुत खुशी के साथ माँ बाप को उठाता था। तीर्थ करते समय तीनों अयोध्या नगरी पहुंचे। तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि बेटा हमें प्यास लगी है। श्रवण ने कावड़ को छोड़कर पत्तों का पात्र बनाया और सरयू नदी की तरफ चल दिया। भाग्य से उसी समय राजा दशरथ आखेट के लिए निकले थे और हिरण को प्राप्त करना चाहते थे। जब घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी के तट पर आवाज सुनते हैं तो शब्द भेदी बाण चला देते हैं। उनको लगता है कोई हिरण पानी पीने के लिए आया है और तीर किसको लगता है? सीधा श्रवण कुमार के हृदय में, जिसके उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज निकलती है, जिसे सुनकर दशरथ जी समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी हो गई है। भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं जहां वे तीर को श्रवण के हृदय में देखकर डर जाते हैं, दुखी होते हैं, उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के पास जाकर क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेता श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने बूढ़े माँ बाप जो नेत्रहीन है उनके बारे में कहता है कि उन्हें बहुत प्यास लगी है, उन्हें पानी पिला दो, उनको पहले बताना मत, पानी पिला कर बताना कि आपका बेटा इस दुनिया से चले गए। जब दशरथ जी
वहां जाते हैं पानी पिलाने, तो वो अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लग जाते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने के लिए कहते हैं। महाराज दशरथ कावड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। खूब देर तक विलाप करते हैं और उन्हें विलाप करते देखकर दशरथ को अत्यंत अपनी गलती का एहसास होता है। वे अपनी करनी के लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन दुखी माँ बाप कहते हैं कि हम भी अपने बेटे के वियोग में मर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा तुम भी अपने बच्चों के वियोग में मरोगे, तब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। जब श्राप मिल जाता है तब वो उसको सहन करते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से बहुत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद उनके पुत्र राम का राज्य अभिषेक होता है। तब के कई के वचन के अनुसार राम लक्ष्मण सीता जंगल की तरफ चले जाते हैं। आज कोई बेटा दशरथ जी के पास नहीं है। उसी समय उन्हें शांतनु जी के शब्द याद आते हैं कि वे राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। श्रवण कुमार का वृतांत खत्म होता है, तब दशरथ जी कहते कौशल्य मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, अब मुझे अपनी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब मैं किसी को नहीं देख पा रहा। उतनी देर में उनकी आवाज थम जाती है, श्वास उखड़ जाते हैं। अप्राण निकलते ही कौशल्या माँ पछाड़ कर भूमि पर गिर जाती है। सुमित्रा आदि रानियां विलाप करने लगती हैं। और आज ये दिन है कि जब राम और लखन तो जंगल में गए हैं और भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हैं और उनके बेटा बहू जंगल में दुख सहन कर रहे हैं। इधर जब सुबह होती है, मंत्रियों ने राजा के शरीर को तेल के कुंड में डाल दिया। अयोध्या वासियों को महाराज की मृत्यु का समाचार मिला, बहुत दुखी हो गए। राजा की मृत्यु के समाचार होते ही व्यथित मंत्री दरबारी मार्कंडेय मुनि मुद्गल वामदेव कश्यप तथा जावाली वशिष्ठ के आश्रम में एकत्रित हुए। तब उन्होंने कहा कि सिंहासन रिक्त नहीं रहना चाहिए, इसलिए जल्दी से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया जाए। गुरु वशिष्ठ ने तभी चतुर दूतों को बुलवाकर आज्ञा दी कि शीघ्र ही के कहे जाओ और मेरा यह संदेश भरत और शत्रुघ्न को दो कि तुम्हें अवश्य कार्य के लिए अयोध्या बुलाया है। ध्यान रखो कि वहां पर राम लक्ष्मण सीता के बारे में मत बताना। राजगुरु और वशिष्ठ जी की आज्ञा पाते ही चारों दूत वायु के समान वेग से अपने अश्वों पर सवार होकर के कई देश चले जाते हैं। वे मालिनी नदी पार करके हस्तिनापुर होते हुए पांचाल और फिर वहां से शरदंड देश पहुंचे। इधर भरत को रात में सपना आता है कि पिताजी के सिर के बाल खुले हैं, मैं पर्वत से गिरते हुए गोबर से लथपथ थे, अरंजलि में बार बार तेल पी पी के हंस रहे थे। वो समझ गया कि कुछ अशुभ होने वाला है, ये सपना अच्छा नहीं है। उतनी देर में अयोध्या के दूत वहां पहुंच जाते हैं और संदेशा देते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पूरी अयोध्या दुखी है। तीनों रानियां समंतों और अयोध्या वासियों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। और इधर से दशरथ जी के पुत्र भरत और शत्रुघ्न वहां पहुंच जाते हैं और यहां आकर उन्हें सब षड्यंत्र राम जी के वनगमन दशरथ की मृत्यु का पता चलता है। ये सुनते ही भरत अपनी माँ के कई का त्याग कर देते हैं और अपने पिता को देखकर विलाप करते हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी स्थिति को संभालते हैं और भरत शत्रुघ्न को ढांढस बंधाते हैं। उसके बाद ही राजा दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया जाता है और उनकी मुखाग्नि दी जाती है।
और हम आगे की कथा फिर सुनाएंगे। जय श्री राम।